वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स में हमने काफी न्यूमेरिकल करे, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स के, और फिर वेरिएबल फोर्स की तरफ अपन इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखें, एक पेंडुलम लिया हमने, लेंथ एल है, इसका मास एम मान लें, और इस एम मास के पेंडुलम को थीटा एंगल पे ले जाके रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने के बाद ये ऊपर जाएगा या आगे जाएगा? 100% बात है नीचे आएगा। आपने रिलीज करा तो इस पे लगने वाली एक फोर्स होगी नीचे की तरफ, एम जी, उसको नीचे बुलाएगी, बोलेगी आ, और इसको जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसके पास। जब वो पोजीशन ए से बी तक जाता है आपको ग्रेविटी के द्वारा वर्क बताना पड़ेगा, और जैसा मैंने बोला ग्रेविटी एम जी अभी छोटे से लेंथ के लिए एक कॉन्स्टेंट फोर्स है। कॉन्स्टेंट फोर्स सिर्फ उसके डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो mg नीचे लग रहा है तो mg को सिर्फ यहां से यहां तक के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। आंसर आ गया, वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h, ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा FBD बना के हम इस हाइट h को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि h अपन को नहीं दे रखा ना, वही तो निकालना है, पर आसान है सवाल काफी, ठीक है। आप FBD बना के सिर्फ ये हाइट h निकाल लें। क्या निकाल लें? h। ध्यान से देखें, यहां पे अपन जब इसको बना रहे हैं, यहां पे अपन ने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये लेंथ कितनी है l, इस ट्राइंगल में ये l है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l cos थीटा, और हमको यहां से यहां तक की हाइट चाहिए। टोटल लेंथ कितनी है l, तो ये हाइट h कैसे निकलेगी, l माइनस l cos थीटा। अब पूरी हाइट में से इतने से को माइनस कर दे, l माइनस l cos थीटा, और इसमें पुट कर दे, वर्क डन बाय mg, mg इंटू l माइनस l cos थीटा। चाहे तो आप l कॉमन निकाल ले, क्या हो जाएगा, mg l 1 माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा, mg l 1 माइनस cos थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स का जो वर्क डन रहता है, ठीक है। ध्यान रखें आप सिर्फ FBD बनाने में, बढ़िया। अगला सवाल देखिए, एक अपने पास ट्रक है, ट्रक पे एक इंक्लाइन प्लेन फिक्स कर दिया, ठीक है, चिपका दिया, और ट्रक को ले जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से, थीटा दे रखा है, उस पर ब्लॉक रख दिया मास m का, और पूछा है t टाइम में वर्क डन निकालें, फ्रिक्शन के कारण, नॉर्मल के कारण, mg के कारण, ठीक है। और ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब ब्लॉक पे और इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन है, क्योंकि ब्लॉक जब आप इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे नीचे बुलाएगा mg, mg का एक कंपोनेंट बुलाएगा mg sin थीटा, तो पीछे रोकने वाला कोई तो होना चाहिए, वो कौन होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, किसी भी फोर्स के कारण अगर आप वर्क निकालें, ठीक है, किसी भी फोर्स के कारण अगर आप वर्क निकालेंगे तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा s, वो s किसके बराबर हो जाएगा, v into t के, किसके कारण हो जाएगा, v into t के। अच्छा, ये मास m और ये m सेम मान लीजिए, है ना, एक ही मास दे रखा है और कोई मास है नहीं, तो आप मास को सेम कंसिडर करिएगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया t टाइम में, v into t इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, FBD बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, FBD, और फिर फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। FBD में ध्यान से देखें आप, ये अपन ने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक की FBD बनाई चाहिए, ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, इस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये पीछे लगेगा फ्रिक्शन, नीचे लगेगा mg, mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg sin थीटा, और एक इस तरफ जाएगा नॉर्मल के अपोजिट में mg cos थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, mg cos थीटा, ये अपने नॉर्मल की वैल्यू होगी, ठीक है। ब्लॉक चल रहा है या रेस्ट पे, रेस्ट पे, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स बराबर है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं mg का, ग्रेविटी का, mg कहां लग रहा है, नीचे, कहां लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना है 90, तो ये थर्ड वाले केस का वर्क डन बाय mg ये कितना हो जाएगा, 0। भैया रट ले, जब भी 90 डिग्री का एंगल हो, कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो
ठीक है, mg का तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब बची हुई दो फोर्सेस है, एक है फ्रिक्शन और एक है नॉर्मल, एक एक करके करते हैं दोनों का, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, ये थीटा तो ये थीटा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा जगह कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, वर्क डन बाय एम जी तो जीरो हो ही गया, ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूं जीरो फर्स्ट निकाल रहा हूं, और एस इक्वल टू वी इंटू टी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं एस इक्वल टू वी इंटू टी। अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो नॉर्मल का वर्क डन, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है निकाली, एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है वी इंटू टी, वी इंटू टी लिखा अपन ने यहां पे, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, एम जी वी टी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल का, ये नॉर्मल का आपने क्या कैलकुलेट करा, वर्क डन। फर्स्ट में आपका बचा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंगल तो निकाले, यह एक काम करें, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपन एक काम करते हैं ना, फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, तो यहां क्या ले लिया एफ आर कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का कंपोनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो 90 डिग्री पे होगा डिस्प्लेसमेंट उसका वर्क जीरो होगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है आगे, तो इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एफ आर क्या है कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और एफ आर की वैल्यू कितनी है एम जी साइन थीटा, तो माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, और पीछे की तरफ कॉम्पोनेंट कितना है कॉस थीटा इंटू क्या आ गया वी टी, क्या आ गया वी टी, माइनस एम जी वी टी साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से अपन ने फ्रिक्शन का भी वर्क डन कैलकुलेट करा, किसका भी वर्क डन कैलकुलेट करा, फ्रिक्शन का, एम जी का 90 डिग्री पे था जीरो, अपन ने पहले ही बोल दिया था, आप FBT बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, कंसेप्ट समझ में आया इसका, गुड। अब ये जो अपन ने सवाल देखा इससे फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में कि वर्क डन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसके डिस्प्लेसमेंट पे। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक पैर के बाद फिर दूसरा पैर ऊपर रखेंगे, फिर दूसरे पैर के बाद फिर अगला पैर, ऐसे ऐसे जंप नहीं करते, पहले एक पैर फिर दूसरा, तो यहां पर नॉर्मल कहां लग रहा है ऊपर, तो आप वर्क डन बाय नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है क्या उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना, आप उसको रगड़ते हुए थोड़ी लेके जाते हैं, मतलब उसको उठा के चेस को थोड़ी लेके आते हैं, अब आप पैर लिफ्ट करते हो, तो नॉर्मल का वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, नॉर्मल का वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। पर अगर आप ऐसी लिफ्ट में है जो ऊपर चल रही है, नॉर्मल कहां लग रहा है ऊपर, जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है वो कहां डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर, नॉर्मल भी कहां लग रहा है ऊपर, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा, तो उस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल होगा पॉजिटिव होगा, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है स्ट्रेट अवे जीरो बोल दे, क्या बोल दे जीरो। ये हमने देखा वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स और उसका एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और वर्क के दूसरे पार्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स कैसे, भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, उसे अपन वेरिएबल फोर्स कहेंगे, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है क्योंकि ये तो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपन ने कोई रैंडम कर्व लिया और इस पे एक फोर्स लग रही है जो इसको यहां से एक ब्लॉक को यहां तक लेके जा रही है, हमको वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे,
ठीक है, और उसके लिए छोटा सा वर्क निकल जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो आगे लगा दे साम, क्या लगा दे साम, इंटीग्रेट कर दे इनिशियल लिमिट से x1 y1 z1 टू x2 y2 z2 तक। इस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल वर्क आ जाएगा। कुल मिला के आपको वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का सहारा लेके आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला छोटा सा एलिमेंट लिया f डॉट ds लिया और टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया। भाई फोर्स आपको i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में दी हुई जा सकती है। x वाले में अपन ने फोर्स का कंपोनेंट मान लिया fx, y वाले में fy और z वाले में fz, fx i कैप fy j कैप fz k कैप। और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का मान लिया ds, कैसे माना, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इस तरह से x dx i कैप dy j कैप dz k कैप, इस तरह से अपन ने कंपोनेंट ले लिए। ठीक है, और f की जगह तो इसको प्लेस कर दिया, डॉट ds की जगह पर ने इसको प्लेस कर दिया। x की जगह क्या करा f वाले में fx i कैप fy j कैप fz k कैप, और ds की जगह क्या प्लेस करा dx i कैप dy j कैप dz k कैप। और जब आप डॉट करेंगे तो i का i से, j का j से, और k का किससे करेंगे, k से। तो fx dx fy dy fz dz इस तरह से करेंगे। और x की लिमिट x में रखना, y की लिमिट y में रखना, और z की लिमिट z में रखना। इस तरह से अपन सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में ही दे रखी है, जैसे फोर्स दे रखी है 2x, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला लेना है। फोर्स दे रखी है 2x प्लस 2y, तो ये दो ले लें। और फोर्स दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 3z, तो ये पूरा ले लीजिए। वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा किस पैटर्न का वो दे रहा है। तो आए कांस्टेंट के बाद वेरिएबल फोर्स के न्यूमेरिकल पे अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उनको देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, आपको दे रखा है एक फोर्स। अब ये वेरिएबल फोर्स क्यों है, ए और बी तो कॉन्स्टेंट मान लीजिए, एक्स चेंज करेगा तो फोर्स भी तो चेंज करेगा, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। और आपको डिस्प्लेस करना है एक बॉडी को x1 से x2, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। अगर आपको इस फोर्स का वर्क डन करना है तो आप वर्क लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f dx। आप बोलेंगे केवल एक ही क्यों ले, यहां तो तीन थे। अरे मैं कहूंगा यहां पे आप देखें, अगर एक सिंगल है ना x डायरेक्शन, तो dx वाला है लेना, क्योंकि dx वाला x में ही तो करेगा। इनिशियल लिमिट क्या है x1, फाइनल लिमिट क्या है x2, लिमिट प्लेस कर दें, फोर्स की वैल्यू को प्लेस करें। फोर्स कितना है, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू, एक्स वन से एक्स टू अलग अलग कर लें, ए डी एक्स प्लस बी को कॉमन निकाल लिया बाहर, एक्स डी एक्स। चाहे तो इसमें भी आप a को कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को धक्का देके बाहर निकाल दें। x1 से x2, x1 से x2, लिमिट बार बार नहीं लिख रहे, जगह नहीं बची अपने पास। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा पहले लिखेंगे x2, फिर लिखेंगे x1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई टू x2 यहां पे, और यहां पे क्या आ जाएगा x1। पहले रखेंगे फाइनल लिमिट, फिर रखेंगे इनिशियल, तो ये आ जाएगा a x2 माइनस x1 प्लस b बाई टू, यहां कितना लिखेंगे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इस तरह से अपन ने पूरा इसको सॉल्व करा, और आसान है इसको सॉल्व करना काफी। आप तो लिमिट पुट करें अच्छे से, एक डायरेक्शन में हो सिर्फ सिंगल ले, एक से ज्यादा में हो दो में हो तो fx dx fy dy, क्योंकि यहां पे तो x में ही था ना सिर्फ एक अपन को, इसलिए अपन ने ये वाला लिया। ठीक है, अगला देखें। अगले में हमारे पास तीनों डायरेक्शन में है, साफ दिख रहा है। अब फोर्स ये वाला i j k, ठीक है, और डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, लिमिट भी दे रखी है स्टार्टिंग में x की भी y की भी z की भी। तो जो टोटल वर्क निकालेंगे ना उसमें fx
डीएक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड, तीनों को लेंगे अपन। किसको लेंगे? तीनों को, एफ एक्स वाला भी ले लेना, एफ वाई वाला भी ले लेना और एफ जेड वाला भी ले लेना, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है। और लिमिट पुट कर दें, एक्स की लिमिट कितनी है? जीरो से वन। वाई की कितनी है? वन से टू। और जेड की कितनी है? टू से वन। और लिमिट के साथ साथ अब इनको प्लेस कर दीजिए, यहां आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का फोर वाई आएगा, माइनस का ध्यान रखना, और यहां आएगा थ्री। इस तरह से आप प्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने सॉल्व कर रखा है आपके लिए, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर वाई, माइनस आगे लगा दिया, थ्री थ्री। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री से थ्री गया, एक्स क्यूब बचेगा, फोर वाई, फोर वाई स्क्वायर बाई टू, तो टू वाई स्क्वायर बचेगा, और यहां पे थ्री कॉन्स्टेंट है तो थ्री जेड। पहले रखना फाइनल, फिर रखना इनिशियल, वन माइनस जीरो वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, वन माइनस टू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, सिक्स और थ्री नाइन, में से वन गया एट, ये बड़ा है तो इसलिए माइनस आ गया। आपने तीनों डायरेक्शन में भी कर लिया, एक्स वाई जेड वाला, ठीक है। सवालों के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और इस वाले सवाल में, किस वाले सवाल में? इस वाले सवाल में हमने लिखा कि फोर्स है एफ इजिकल टू के एक्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे लग रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। सवाल में हल्का सा ट्विस्ट क्या है? सवाल में हल्का सा ट्विस्ट यह है कि जो फोर्स लग रही है ना, वो एक्स से किसी एंगल पे लग रही है और डिस्प्लेस एक्स पे कर रही है। कहां पे कर रही है? एक्स पे। तो एक्स पे जब वो डिस्प्लेस कर रही है, तो सबसे पहले मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो उसकी डायरेक्शन में हो, एक्स की डायरेक्शन में हो। ये लग रहा है फोर्स के एक्स, तो एक्स की डायरेक्शन में कितना होगा? एफ कॉस 60, कॉस 60 मतलब हाफ, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? के एक्स। अब मुझे फोर्स मिल गई, जब मैं वर्क लिखूंगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो मुझे यहां पे फोर्स पुट करनी पड़ेगी एक्स डायरेक्शन वाली, और वो फोर्स कितनी है? वो फोर्स है के एक्स बाई टू डी एक्स, और इसमें से के बाई टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। व्हाट इज द लिमिट? एक्स वन से एक्स टू, एक्स वन यहां पर लिखा हुआ है, एक्स टू यहां पर है, एक्स वन से एक्स टू लेके गए, एक्स की पावर कितनी है? वन, इंटीग्रेट करें, के बाई टू, ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स टू एक्स वन। पहले फाइनल लिमिट रखें फिर इनिशियल लिमिट रखें, के बाई टू पहले रखेंगे, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई टू, तो के बाई फोर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। तो बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व करा, आप कंसेप्ट समझे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था, कौन सा कंपोनेंट लेना था? हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। ये सवाल देखा आपने, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, आप आपके सामने लिखा हुआ है फोर्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, ये वाला इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड पार्टिकल मूव्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो आपको दे रखा है और आपको वर्क डन निकालना है, पहले इसको बोल देते हैं ए, ए से गया बी, बी से गया सी, ए से गया बी, बी से गया सी, यहां पे यहां तक W1, यहां से यहां तक W2, W1 निकाल लीजिए, W2 निकाल लीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सवाल में आप देखेंगे, पहले ये देखें तो वर्क आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं वर्क कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स और इसके साथ लिखेंगे एफ वाई डी वाई, ऐसे ही लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स, ठीक है।
इंटीग्रेशन में प्राण निकलने वाले, ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने ही नहीं देखा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, आप जब ए से बी जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी, ए से बी जाने में अपन अलग से लिखते हैं इसको, ए से बी जाने में वाई कितना है, वाई जीरो, और डी वाई कितना हो जाएगा फिर, वो भी जीरो। तो ए से बी में इसको रखें यहां पे, वाई जीरो, भाई वर्ग निकालना है ना डब्ल्यू वन ए से बी का, तो इसमें प्लेस करते, ओ ये गायब हो गया वाई, तो y की वैल्यू पुट करें जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस dy को रखें यहां पे, dy भी जीरो, जीरो, तो a से b तक का तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। a से b तक का वर्क डन कितना हो गया, जीरो। इस इक्वेशन को देखा हमने। अब आप बात करें b से c की, b से c में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है a, और थ्रू आउट x की वैल्यू कितनी है a, तो x में चेंज कितना होगा, dx कितना आएगा, जीरो। b से c में थ्रू आउट dx की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। dx क्या है, चेंज, चेंज हो ही नहीं रहा, x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है, y। तो इसमें प्लेस करें w2, दैट विल बी y इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू जीरो। जीरो क्यों लिखा, क्योंकि dx की वैल्यू जीरो है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dy, x कितना है a इंटू डी वाई, और y जीरो से a जा रहा है, लिमिट भी लगा दी जीरो से a, ये तो जीरो हो गया, a बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन, भाई यहां पर पूरा लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dy जीरो से a, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y जीरो से a, ठीक है, और पहले फाइनल लिमिट रखेंगे, इनिशियल रखने की जरूरत नहीं, जीरो। तो a इंटू अंदर a आया, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। ध्यान से देखें इसको एक बार, मैं वापस आपको इस फॉर्मेट में दिखा देता हूं, ये लिखा था अपन ने वर्क y dx x dy, a से b गए, y जीरो है तो dy कितना हो गया, जीरो, y जीरो है तो dy कितना हो गया, जीरो। तो इसमें पुट करेंगे जीरो, इसमें भी पुट करेंगे जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, वर्क डन जीरो। बी टू सी गए, कहां गए, बी टू सी, बी टू सी गए, एक्स ए है तो चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। प्लेस करें यहां पे वाई इंटू, यहां पे क्या प्लेस करते थे, डीएक्स, क्या प्लेस करते थे, डीएक्स, है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, इंटीग्रेशन में यहां पे लिख देता हूं, ये वाला जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, जीरो, इसकी वैल्यू होगी जीरो, और इसको हमने सॉल्व करा था, कितना आया था, ए, ए इंटू ए कितना आ गया, ए स्क्वायर, तो डब्ल्यू वन जीरो है, डब्ल्यू टू कितना है, ए स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर, कितना आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, बेहतरीन सवाल, प्रैक्टिस करें इसकी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट सवाल में देखा था कि आपको ये घबराना नहीं है देख के कि आई कैप में वाई कैसे आ गया, जी कैप में एक्स कैसे आ गया, कुछ भी आ जाए आप कंसेप्ट से चले, पहले ए से बी गए, आपने देखा एक्स वेरी कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है, डीएक्स वेरी कर रहा है, डीवाई वेरी कर रहा है, आपने पहले ए से बी खेला, फिर बी से सी खेला, उसी तरह से इस सवाल को भी आप देखें। आप पहले लिखिए वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स प्लस एफ वाई डीवाई। एफ एक्स कितना है, ये वाला कॉम्पोनेंट एक्स वाई लिखा, और इसमें एफ वाई कितना है, एक्स वाई, भाई दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स और एक्स वाई डी वाई, ये आपका आ गया, इंटीग्रेशन लग दिया, लिमिट पहले ए से बी ले जाते हैं, फिर बी से सी ले जाते हैं, लिमिट भी वैसे रख देंगे। अब इस सवाल को मैं फिर बोलूंगा बायफर्केट करें, पहले डब्ल्यू वन निकालें फिर डब्ल्यू टू निकालें, आराम आराम से चले, पहले डब्ल्यू वन फिर डब्ल्यू टू। W1 की बात करें, आप जाएंगे A से B, कहां से कहां जाएंगे, A से B, बहुत बढ़िया, A से B में Y कितना है, जीरो, तो dy ऑटोमेटिकली चेंज इन Y, व्हाट इज dy, चेंज इन Y, वो कितना हो गया, जीरो, प्लेस कर दे ऊपर, Y जीरो, W1 निकालना चाह रहे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस dy जीरो, Y भी जीरो है, ये आ गया भाई जीरो, भाई खत्म, A से B, पिछले में भी खत्म था, इसमें भी खत्म है, B से C गए,
बी से सी में एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, चेंज इन एक्स 1 से 1 ही जा रहा है तो dx कितना हो जाएगा 0, चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा 0, प्लेस करें w2 के लिए, इसको w2 कहते ना, तो यहां पर x की वैल्यू 1, dx की वैल्यू 0, 0, यहां x की वैल्यू 1, y, dy, बहुत बढ़िया, y जा रहा है 0 से 1, 0 से 1, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट प्लेस करें 0 से 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा हाफ, तो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा w1 प्लस w2, 0 प्लस हाफ। इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप घबराए नहीं देख के कि क्या है भाई आपका जो टर्म लिखा हुआ है वो एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, कैसा भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कंसेप्ट पे ध्यान दे जो अपन ने लास्ट सवाल में अप्लाई करा और इस सवाल में भी अप्लाई करा, ठीक है आगे बढ़े, आगे अपन बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं, इसमें भी अपन वेरिएबल फोर्स का सवाल लिया। एक ब्लॉक है मास 1 किलोग्राम का, इस पर फोर्स लग रहा है 10T और फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, ठीक है टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ठीक है भाई वर्क लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू ds है ना, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा तो cos 0 रहेगा। अब फोर्स आपको कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है आपको 10T, फोर्स को लिख सकते हैं m into a, ये 10T के बराबर, ठीक है मास कितना है 1 तो a कितना हो गया, मास कितना है 1 तो a कितना हो गया 10T, ठीक है अब a आ गया, f इज इक्वल टू ma अपन यहां लिख सकते हैं तो वर्क हो गया m इंटू a, a की जगह लिख दिया 10T। अब ds के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ds के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, प्राण निकल जाने कैसे करें भाई, कर ही नहीं सकते। इसके लिए अपन ने क्या करा, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, आप करेंगे इससे क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा इधर देखें, इसको क्या लिख सकते हैं dv/dt, ये 10t के बराबर है, यहां से dv इज इक्वल टू क्या हो गया 10t dt, दोनों तरफ सांप लगा दें 0 से 2, या 0 से आप t ले लें है ना, लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, यहां 0 से v ले लिया तो v और t में भी रिलेशन आ गया, और ds/dt को आप क्या लिख सकते हो, ds/dt को लिख सकते हो v, और v किसकी टर्म में आ गया t की टर्म में, तो आपका पूरा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो t की टर्म में हो जाएगा, किसकी टर्म में हो जाएगा t की टर्म में, इनिशियल लिमिट 0 से 2 सेकेंड, वर्क डन आ गया, क्या आ गया वर्क डन। आपको सवाल देख के पीछे नहीं हटना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है, और यहां पे फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन को पुट करा, ds को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके v बनाया, और सबको t की टर्म में लेके आए, किसकी टर्म में लेके आए t की टर्म में, ध्यान से देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला f/m 10t/1, 10t आ गया, dv/dt लिखा, एक्सेलरेशन को v और t में रिलेशन निकाला, इंटीग्रेट करके 0 से v, 0 से t, 5t स्क्वायर आ गया, ठीक है, और वर्क डन में f को लिखा m into a, f को लिखोगे आप m into a, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ds/dt कितना बन गया ds/dt आपका बन गया v, और v अपन ने निकाला यहां पे 5t स्क्वायर, और f को लिखा m into a, m कितना है 1 और a कितना है 10t, तो 10 into 5 50, t into t square t cube का आप इंटीग्रेशन करें, t की पावर 4/4, इनिशियल लिमिट है 0, फाइनल लिमिट है 2 को प्लेस करें, 2 की पावर 4, एक 4 नीचे है, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4 4 16 by 4, 4 into 50, 200 joule, कितना आ जाएगा 200 joule। तो अपन ने फोर्स जो वेरिएबल आपको दे रखा है उसके हेल्प से अपन ने वर्क कैलकुलेट करा, ठीक है, सवाल थोड़ा डिफरेंट था पर अपन ने ट्राई करा, ये अपन ने देखे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के सवाल, ठीक है भाई आगे बढ़ते, आगे अपन देखते हैं
फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्या देखते हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अगर आपको क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व दे रखा है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है और आसानी से वर्क निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लें और स्टार्टिंग से एंड तक इंटीग्रेट करें, ये कितना जाएगा फोर्स की वैल्यू एफ, छोटा सा एलिमेंट कितना लिया dr, एफ dr डॉट लगा दे, ठीक है, और इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? एफ डी आर का क्या देगा? वर्क डन। तो बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट का आपको जो एरिया है वो क्या देता है? वर्क। क्या देता है? वर्क। अगर आपके सामने कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बना हुआ हो, कैसा भी हो, ऊपर नीचे आसे, ऊपर एक ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल या कैसा भी फिगर हो, जो भी आपकी ज्योमेट्री आपको आती हो, ऊपर वाले का एरिया निकाल लो ए वन, नीचे वाले का एरिया निकाल लो ए टू, ऊपर वाले का एरिया निकाल लो ए थ्री, और टोटल वर्क पूछे तो ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री। ए टू को माइनस क्यों करा? ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप इस बिहाफ पे करें, ऊपर वाले को पॉजिटिव लें, नीचे वाले को नेगेटिव लें, इतना सा अपन को ध्यान रखना है। और एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे देगा? वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या दे देता है? वर्क डन। क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। ठीक है भाई, सवाल दे रखा है फिगर में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, फोर्स न्यूटन पे है, वर्क डन निकालना है 5 से 10। 5 से 10 बोले तो ये वाला एरिया, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकाले हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, उससे ये टोटल एरिया आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच की दूरी, इससे ये टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर जिसको इसमें कंफर्टेबिलिटी ना हो, यहां से परपेंडिकुलर डालें, ट्राइंगल निकाल लें, रेक्टेंगल निकाल लें, दोनों के एरिया को ऐड कर दें, दोनों पॉजिटिव में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ यहां से जा रहा है आपका, 5 से 10 तक निकालना है तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। हाफ ए प्लस बी, पहली साइड 5, दूसरी साइड 6, 5 प्लस 6, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5। तो आसानी से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे 6 5 11 55 बाई 2, 27.5 जूल। ठीक है, आसान है। एक और देखें, 0 से 6 पूरा ही लेना है बेसिकली। कुछ इसमें डायमेंशन मिसिंग है, मेहनत कर लेंगे, निकाल लेंगे। ध्यान से देखना, एक एरिया ये, एक एरिया ये और एक एरिया ये, खेल खत्म। ए वन निकालें, ए टू निकालें, ए थ्री निकालें। अब सवाल में ट्विस्ट क्या दे दिया उसने, ये साइड हमको दी नहीं, ये वाला नंबर दे देता ना, खत्म था खेल, कोई बात नहीं। ये हाइट कितनी दे रखी है? 3। ये हटा दो एक बार, ये हाइट कितनी दे रखी है? 3। ठीक है ना, नीचे क्या मतलब, हाइट पूछ रहा हूं मैं तो, नीचे की तरफ कितना है? 3। ये एंगल कितना है? 45। ये 90, तो ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा? 45। तो ये साइड और ये साइड क्या होनी पड़ेगी? बराबर। क्या होनी पड़ेगी? बराबर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो बची हुई यहां से यहां तक की कितनी हुई? 1, क्योंकि 1 प्लस 3 तो 4 होगा। वापिस देखें, मैं बोल रहा हूं ये एंगल 45 है तो ये कितना होगा? 45। ये वाला भी कितना होगा? 45। ये साइड 1 है तो ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है ना, आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया। अगर ये वाला पॉइंट 1 है तो बस इतना ही चाहिए था हमें, ये बची हुई दूरी यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, और ये दूरी हमको ऑलरेडी पता थी 2। अब क्या करें, ये ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया, ये ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट भी 3 है, ये रेक्टेंगल है 2 इंटू 2, ये तो स्क्वायर है 2 इंटू, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल ही है, ये 2 है, ये कितना है? 3। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, ये को पॉजिटिव ले ले, इन दोनों को क्या ले ले? नेगेटिव, और आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, ये 1 था, ये 3 था, A1 प्लस A2 प्लस A3। A2 और A3 में ध्यान रखें आगे माइनस साइन लगाया है। क्या साइन लगाया है? माइनस। और माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव, नीचे की तरफ है। फिर फर्दर सॉल्व करके आसानी से आप
एरिया अंडर द कर्व को निकाल सकते हैं. कितना आ गया? -10 जूल. कितना आ गया? -10 जूल. ठीक है. तो वर्क के दोनों टाइप देखने के बाद, चाहे आप वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स देखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखें, और कुछ ग्राफ देखने के बाद हम चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम एनर्जी. एनर्जी से आप क्या समझते हैं? एनर्जी किसी भी आपके वर्क को करने के लिए बॉडी की या किसी भी चीज की एक रिक्वायरमेंट है. आप देखें, आप फुटबॉल खेलें, आप क्रिकेट खेलें, आप डांस करें, आप वर्क करें, आपको कुछ ना कुछ फूड इनटेक लेना ही पड़ेगा. किसी भी फॉर्म में लें, आप लिक्विड फॉर्म में लें, आप सॉलिड फॉर्म में लें, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ फूड इनटेक लेना पड़ेगा. प्लांट्स को भी एनर्जी लेनी पड़ेगी, लाइट, फैन, कार, सबको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लेनी पड़ेगी. कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, कोई पेट्रोल फॉर्म में एनर्जी लेता है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. बॉडी को काम करना है तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए. बिना एनर्जी के बॉडी काम नहीं कर सकती. हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन है एनर्जी को अक्वायर करने में और एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने में लगी है. इसी के कारण एनर्जी रिसोर्सेज की, जैसे अपन बात करें पेट्रोल वगैरह की, कमी होती जा रही है. इनके कारण बड़ी बड़ी कंट्रीज में आपस में जंग छिड़ी हुई रहती है. और मैं बता रहा हूं कि कभी कभी तो सडन ओवर पावर यूज ऑफ एनर्जी से, जैसे एटम बम गिराया था अपने जापान पे, ब्लास्ट हो जाते हैं बड़े बड़े भयंकर. और डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज वगैरह है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना के रखती है ताकि एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. बेसिकली वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अगर बॉडी में एनर्जी है, इट कैन परफॉर्म वर्क. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन एनर्जी के डेफिनेशन से. एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क क्या कहलाई जाएगी? एनर्जी. ये अभी अपन ने बोला कि भाई बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क परफॉर्म कर सकती है. इफ ए बॉडी हैज एनर्जी, इट मीन्स इट कैन डू वर्क. ये वर्क कर सकती है. बिना एनर्जी के वर्क नहीं करा जा सकता. सिंपल एज दैट. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने भी क्या करा था? एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मास और एनर्जी में एक रिलेशन निकाला था. ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, where m is the mass of the particle and c is speed of light. ये अपने आइंस्टीन ने इक्वेशन निकाली थी, e is equal to mc square. ठीक है, ये तीन पॉइंट अपन ने देखे. अब एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अब यहां से जैसे कोटा से आप रणथंबोर जा रहे हैं, सपोज कार है आपके पास एल्टो 800, पेट्रोल डलाने गए, पेट्रोल डलाया आपने और पेट्रोल जला के बोला कि भैया रणथंबोर का पेट्रोल डाल दो, और बीच में मन पलट गया कि नहीं यार जयपुर सरिस्का चलना है अपन को, तो हम पेट्रोल पंप वापस जाएंगे या डायरेक्शन चेंज करेंगे? पेट्रोल पंप वापस जाके कि भैया रणथंबोर का पेट्रोल निकालें और जयपुर का भरें? नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है. स्केलर क्वांटिटी है, आप जहां जाना चाहें वहां ले जाएं. तो एनर्जी आपको बता रहा हूं एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी अपन ने पहले कभी 10th में 9th में कहीं ना कहीं सुनी होगी. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, 11th में भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा. मैकेनिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है. और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है. जैसे वो टर्बाइन वगैरह पे पानी गिरता था, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, करा जा सकता है. और इस चैप्टर में हमको कौन से पार्ट ऑफ एनर्जी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? वो होगा मैकेनिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, जो कि दो टाइप की होती है, एक है काइनेटिक और दूसरी है पोटेंशियल. तो बेसिकली हमको दो टाइप ऑफ एनर्जी पे ध्यान देना है, काइनेटिक और पोटेंशियल पे. तो एनर्जी को भी हम एक काम करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. पहले पढ़ लेते हैं काइनेटिक, फिर पढ़ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी क्या बोला भाई अपन ने? कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, बॉडी में एनर्जी है, वो वर्क कर सकती है. अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसे अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. बॉडी के मोशन के कारण जो बॉडी में एनर्जी आती है उसे अपन क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी अक्वायर्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन.
बॉडी में मोशन है तो एक एनर्जी 100% होगी, बॉडी है तो मास होगा ही, और मोशन है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास ऑफ द बॉडी, वी इज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आप एक चीज बताएं, मास पॉजिटिव ही रहता है, स्पीड अपन ने स्पीड बोला वेलोसिटी, लेकिन स्क्वायर है ऊपर, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव अगर बॉडी चल रही है तो। जीरो कब होगा, अगर बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, अदरवाइज वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और क्योंकि स्पीड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, कौन, काइनेटिक एनर्जी। आपने एनएलएम में, भाई ये तो अपन ने रेफरेंस फ्रेम की बात करी, पॉजिटिव जीरो की बात करी, आपने एनएलएम में एक टर्म पढ़ी होगी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन, पढ़ा होगा ये, P इज इक्वल टू एम वी, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू एम वी, एम इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये बताती है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना, कितना मोशन है के कारण, उस मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है, मोशन तो ये बता रहा है और ये क्या बता रहा है, एनर्जी। तो ये दोनों टर्म कुछ कुछ रिलेटेड है, तो इनमें आपको एक रिलेशन आना चाहिए, वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे आप एक काम करें, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बहुत बढ़िया भैया, मास से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर होगा एम वी का स्क्वायर, और आपको पता है पी किसके बराबर होता है, एम वी के, किसके बराबर होता है, एम वी के, तो एम वी की जगह अपन ने सिंपली क्या रख दिया, पी, क्या रख दिया, पी, पी स्क्वायर बाय टू एम, ये आपका रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया, पी स्क्वायर बाय टू एम, और सबको उस तरफ बीच के अंडर रूट ले दे तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट टू एम की। यहां ये जो रिलेशन है ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में और मास के बीच में है और वेलोसिटी या स्पीड के बीच में है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास के बीच में है, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है हमें मोमेंटम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है या हमें मास स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वैसे आप सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को देखने के बाद हम कुछ परसेंटेज बेस्ड सवाल पे जाएंगे आफ्टर सीइंग दिस ग्राफ। ग्राफ में आप ध्यान से देखें, अगर मास कॉन्स्टेंट ले रहे हैं अपन तो पहला ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में, स्पीड भी ले सकते हैं, पहले एक बार वेलोसिटी ले लेते फिर स्पीड का भी इसी में बता दूंगा मैं आपको। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, रिलेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और जिसको फटाक से चमक रहा वो खुद से बता दे भाई, एक की पावर वन है दूसरे की पावर टू है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और जिसकी पावर ज्यादा होती है वो मोड़ देता है, और जिसको ऐसे ना समझे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो अच्छे अच्छे सवालों में भी आसानी से लग जाएगी। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली बोल दें एक के पावर वन एक के पावर टू है, फटाक से खत्म करें इसको, या फिर जो वाई एक्सिस पे है इसको वाई लिख दें और जो एक्स एक्सिस पे इसको एक्स लिख दें। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एक्सिस पे है, वाई, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रिप्लेस कर दें, वाई, और एक्स एक्सिस पे कौन है, वी, तो वी की जगह क्या लिख दें, एक्स। अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, x स्क्वायर, x की पावर ज्यादा है वो मोड़ देगा, पैराबोला, क्या बन गया, पैराबोला। तो आप बस ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको क्लिक कर रहा है तो स्ट्रेट अवे आप आंसर दे सकते हैं। वेलोसिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, पर अगर सवाल में स्पीड पूछा होता तो ग्राफ ये वाला आता, सिर्फ इधर वाला पॉजिटिव हाफ, जीरो से आगे वाला, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका सिर्फ ये राइट वाला पार्ट आता, लेफ्ट वाला पार्ट छुप जाता। अगर यहां वेलोसिटी की जगह क्या लिखा हुआ रहता है, स्पीड, क्या लिखा हुआ रहता है, स्पीड, नेगेटिव वाला पार्ट हट जाता, सिंपल। दूसरा ग्राफ आप ट्राई करें खुद से, काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के बीच में, किसके बीच में, वी स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जो इस एक्सिस पे इसको वाई लिख दो और जो इस एक्सिस पे इसको किसके रिप्लेस कर दो, एक्स के, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखा, वाई, और v स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, x।
तो हमने वी स्क्वायर की जगह रखा एक्स, वाई की पावर वन एक्स की पावर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता हुआ, सिंपल है। एक और देखें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो पहले आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, पी स्क्वायर बाय टू है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंटम के स्क्वायर के, ठीक है, या तो डायरेक्टली बोल दे मोमेंटम की पावर ज्यादा है मोड़ दिया, या फिर इसको रख दे वाई और इसको क्या रख दे एक्स, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर। पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, जिसकी पावर ज्यादा वो मोड़ देगा। ग्राफ कैसा भी हो आपको रिलेशन आना चाहिए, भाई ये तो अपन ने देखा यहां पे रूट के और पी के बीच में ग्राफ है, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है पी स्क्वायर बाय टू एम, ठीक है, पर इस एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है रूट के, रूट के को किससे रिप्लेस करें वाई से, तो के किसके बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और पी की जगह क्या रखें एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रखेंगे y स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का लिखा अपन ने y स्क्वायर, और p की जगह क्या रखना है x, यहां p है, p नहीं p स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2m, तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसको ना देखें आप, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है यहां पे, मैंने वहां पे अप्रोप्रिएट लिखा है, क्योंकि हमको जो y एक्सिस पे इसको y से रिप्लेस करना है, तो काइनेटिक एनर्जी को y से रिप्लेस कर रहा है, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है ये x वाला, इसको आप ना देखें, आप इसको देखें, जो इस एक्सिस पे है उसको y लिखेंगे, और जो x एक्सिस पे उसी को तो x लिखेंगे, तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m लिखा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखा y स्क्वायर, क्योंकि रूट ये था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा y स्क्वायर, और लास्ट में आपका रिलेशन आ गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, क्या आ गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी हो या मेथड जो मैं बता रहा हूं वैसे करना हो, जैसा अच्छा लगे आप इस ग्राफ को सॉल्व करें। अब अपन आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। जैसा कि आपने यूनिट एरर में पढ़ा होगा, अगर 5% से कम है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेथड क्या था भाई, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, अगर मास कांस्टेंट है तो, डेल्टा चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, पावर कितनी है 1, आगे 1 लगा दो, इसमें पावर 2 है इसलिए पहले आगे 2 लगाया, इसकी पावर 1 है तो आगे 1 लगाना है, और इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 डेल्टा पी बाई पी, ठीक है। ये अपन ने यूनिट एरर में पढ़ा था, और ये अप्लाई कब करना है, लेस देन इक्वल टू 5% पे, 7-8% तक अपन रिस्क ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा पे आपका आंसर बहुत वेरी कर जाएगा, ठीक है। एक सवाल देखते हैं इस पे, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 0.5%, मोमेंटम को कितना इंक्रीज कर दिया 0.5%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई रिलेशन आपके पास ऑलरेडी है, क्या है, डेल्टा के बाय के इंटू 100 विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, मोमेंटम को 0.5% इंक्रीज करा, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ, सिंपली आप 0.5 रख रहे हैं प्लस का, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हो माइनस लगा दो, इंक्रीमेंट हो प्लस लगा दो, 2 × 0.5 ये कितना आ गया 1%, ये 0.5% था, 0.5% था, और आपने आगे क्या लगा दिया 1, क्या लगा दिया 1, 2 × 0.5 किसके बराबर हो जाएगा 1% के बराबर। अगर यहां पे 3 लिखा हुआ रहता, 3 × 2 जा क्या हो जाता 6, यहां 1 लिखा हुआ रहता, 2 × 1 = 2, और आपको उल्टा भी दे सकता था काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट, तो 2 को आप नीचे भेज देते और उससे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम को भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कब था, जब परसेंटेज चेंज जो है 5% से कम है, किससे कम है 5% से कम है, और आप इसको वो फंडामेंटल मेथड जो है अपना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 से करेंगे ना, कैलकुलेशन में प्राण निकल जाने हैं, ठीक है। वो कब करा करें,
जब आपके पास 5% से ज्यादा हो, यू कहें 300% दे दिया, 100% दे दिया, 200% दे दिया, तब आप उसको अप्लाई करें। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल मेथड से चलते हैं, लाइन लाइन पढ़ के एक एक स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज बाय 300%। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इनिशियल से कितना बढ़ा दिया इसको 300%। तो ये फॉर्मेट रहता है अपना लिखने का, इस तरह से अपन लिख के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को निकाल सकते हैं। 200 बोलता तो 200 अपॉन 100 लिखते, 50 बोलता 50 अपॉन 100 लिखते, 64 बोलता 64 अपॉन 100 लिखते, अभी 300 बोला ये लिखा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे, 400 अपॉन 100 दैट इज 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फाइनल, ये आपने निकाला आराम से कैलकुलेट करके। और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल फाइनल अपॉन इनिशियल के बराबर होगा, और यहां पावर कितनी है, 2, रिलेशन है अपने पास में। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4:1, ये यहां से 4 टाइम्स है। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले दे तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल ये किसके बराबर हो जाएगा, 2:1। और आपको करना क्या है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है मोमेंटम में, तो डेल्टा परसेंटेज चेंज ऑफ ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। खत्म, परसेंटेज चेंज किसमें आ गया, पी में। फंडामेंटल मेथड, बेसिक मेथड जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें अपन ऐसे लिख देते हैं पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस 1 × 100, क्योंकि पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 2/1 या 2 कह दें, तो 2 − 1 × 100 या 2/1 − 1 × 100 यह आ जाएगा 100%। प्लस का आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम में भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीमेंट था, तो आपके मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज आया, प्लस का 100, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, इंक्रीमेंट। तो आप सवाल पढ़ें एकदम फंडामेंटल स्टेप से, फटाक फटाक से सॉल्व करें, आसानी से आंसर आ जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, ये वाला, इस बार इंक्रीमेंट ना लेकर डिक्रीमेंट ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, 64% से डिक्रीज कर दिया, सिंपल। स्टार्ट कर जाए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ सुने, यहां पे डिक्रीमेंट है तो माइनस लगाए, −64/100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 36/100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और अभी आपने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा था, तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल का जो स्क्वायर होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, 36/100, हमने लिख दिया 36/100 लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले दो तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल ये हो जाएगा 6/10। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम में अपन को परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस 1 × 100, और ये वैल्यू आपको यहां पे गिवन है 6/10, तो 6/10 − 1 × 100 दैट इज −4/10 × 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, −40%। माइनस शो कर रहा है कि भैया मोमेंटम में डिक्रीमेंट हुआ है, और कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है तो मोमेंटम में भी क्या होना था, डिक्रीमेंट हो गया। कितने परसेंट का, 40% का चेंज तो होगा। ये हमने कुछ सवाल देखे काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी का आगे भर भर के अपन यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का आगे अपन भर भर के यूज करेंगे, और उसी के साथ साथ अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद
अब अपन आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज चेंज और कुछ ग्राफ के सवाल देखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में WET भी कह सकते हैं, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ब्रैकेट में बाद में देख लेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस के कारण, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, जो भी फोर्स लग रही हो, आप तो दिमाग ही ना लगाएं, बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव चैप्टर को अपन जब आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में अपन लेंगे, पर आप तो इस पे ध्यान ही ना जाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम, चाहे फोर्सेस कैसी भी हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, ग्रेविटी प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, सब पे एप्लीकेबल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय ऑल टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के, टी टोटल के लिए है ना, इज इक्वल टू डेल्टा के। व्हाट इज डेल्टा के? हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, आपको बताता हूं दो तीन स्टेप में इसको अपन को सॉल्व कैसे करना है। इनिशियल पॉइंट ढूंढे, फाइनल पॉइंट ढूंढे, है ना, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी लिख दे। ये वाला पार्ट हो गया, इनिशियल पॉइंट ढूंढे, फाइनल पॉइंट ढूंढे, काइनेटिक एनर्जी लिख दे पार्टिकल के, सिस्टम के जो भी है सवाल में, ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, राइट डाउन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नॉर्मल, MG, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो, सारी फोर्सेस को लिख दे। और स्टेप थर्ड, इक्वेट कर दे। पहले आप ये वाला पार्ट निकाल लें, फिर आप ये वाला पार्ट निकाल लें, दोनों निकाल लें, है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट निकाल लें, फिर वर्क डन वाला पार्ट निकाल लें। इससे आप आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला सवाल लेते हैं आपके सामने वर्क एनर्जी थ्योरम का। ऐसा एक ब्लॉक है मास 1 किलोग्राम का, जो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगी F, जो कि इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहा है, और स्पीड बढ़ा दी इसकी 8 मीटर पर सेकंड कर दी, और कितना चला, 10 मीटर। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक तो वर्क डन निकालना है और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब सुने, WET अप्लाई करने का समय आ चुका है। क्या अप्लाई करने का समय आ चुका है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। देखे भाई, ठीक है, इस पे एक तो लग रहा है फोर्स, एक लग रहा है नॉर्मल, और एक क्या लग रहा है, एमजी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी इक्वल टू हाफ एम। फाइनल कितना है, 8 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है, 2 का स्क्वायर, थोड़ा नीचे चल गया। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय एफ, और कोई फोर्स है, फ्रिक्शन एब्सेंट बता रहे हैं, तो मतलब ये 3 फोर्सेस हैं। सारी फोर्सेस को लिखो इक्वल टू हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर ला दूं मैं, 2 का स्क्वायर, एमजी लग ही रहा है नीचे। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, क्यों, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे। वर्क डन बाय एमजी 0, क्यों, एमजी नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे। दोनों ही केसेस में एंगल 90, दोनों ही केसेस में एंगल कितना है 90 का वर्क डन कितना हो जाएगा 0। वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा एफ, एफ फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ मास है 1, 64 माइनस 4 भैया कितना, 60 बाई 2, ये कितना आ गया, 30। ये आ गया वर्क डन बाय फोर्स, कितना आ चुका है आपका, 30 जूल। अब ध्यान से सुने, सेकंड पार्ट में मैग्नीट्यूड भी पूछा है फोर्स का, और फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में, 10, तो 30 इज इक्वल टू एफ इनटू 10। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 न्यूटन। ठीक है, बड़ा आसान था। आप वर्क डन डेल्टा के बराबर करें, जितनी भी फोर्सेस है फटाक से लिख दें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनका तो वैसे भी क्या होने वाला है, 0।
उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और आखिर में वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर करके अपन ने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट कर दिया? डिस्प्लेसमेंट। तो बड़े आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम को अपन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज। ठीक है भाई, अब देखें ब्लॉक यहां पे है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और इस सरफेस पे गया ऐसे 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 और बी तक पहुंच गया, और सरफेस का कांटेक्ट कहीं उसने लूज ही नहीं करा। सरफेस का जो कांटेक्ट था कहीं पे भी उसने क्या नहीं करा? लूज। और आपको क्या बताना है? ब्लॉक हैज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ इतना ऑन ए स्मूथ सरफेस, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। जब ये ब्लॉक बी पॉइंट पे पहुंच गया तो आपको वीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? वीबी की। तो एक काम करें ना, अगेन हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। ध्यान से देखें, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, एक आएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, हाफ एम वीबी का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है? 30 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ब्लॉक कहीं पे भी हो, नॉर्मल का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल, कहीं पे भी ब्लॉक हो, नॉर्मल का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल हमेशा 90 होगा। इस केस में, हर केस में मैं नहीं बोल रहा, इस केस में आप ध्यान से देखें, ब्लॉक कहीं पे भी जाएगा, नॉर्मल का आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। ग्रेविटी के लिए चर्चा करते हैं अपन। किसके लिए चर्चा करते हैं? ग्रेविटी के लिए। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और इसमें डिफरेंस आया कितने का? 15 का, 35-20। और हमको पता है ग्रेविटी का वर्क डन वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल हाइट पे। एमजी कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। एमजी कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। तो माइनस एमजी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? 15 विल बी इक्वल टू हाफ एम वीबी का स्क्वायर माइनस ये 900 आ गया। ठीक है, मास से मास गया, इसको उधर भेजे, जी को 10 ले लेते हैं। 300 इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर माइनस 900, इसको इधर भेजें आप, ये कितना आ जाएगा? 600। ये किसके बराबर हो जाएगा? वीबी के स्क्वायर के। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 600 मीटर पर सेकेंड। रूट 600 मीटर पर सेकेंड। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी हो तो फाइनल पे निकाल लें, फाइनल पे दे रखी हो इनिशियल पे निकाल लें। दोनों देख के कुछ और भी पूछ सकते हैं, आपको सवाल पढ़े, जितनी फोर्सेस लग रही है सबको लिखें, जिसके कारण जीरो हो रहा है उसे ध्यान दें, और बाकी के कारण कैलकुलेट करके सॉल्व करें वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू।